वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आप लोगों की फरमाइश पर झटपट ज़बरदस्ती रुमाली रोटी कह लो चपाती कह लो बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा, आटा हरगिज हरगिज मशीन में गूंदना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है मैं आटा गूंदने के मामले में बड़ी चोर हूँ, तो मैं मशीन में गूंद रही हूँ, आप लोग हाथ से बड़े मजे से 8-10 मिनट तक गूंद सकते हैं। तो चले, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून गेहूं का आटा। तो चलिए इसको मशीन में डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून तेल, 30-40 सेकंड तक कोई बिग डील नहीं है। चले, अब इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून पानी में, मैंने 6 टेबलस्पून दूध डाल दिया है, तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट 2/3 कप से कम और 1/2 कप से 2 टेबलस्पून ज्यादा है, तो इसको हम मिला के डालेंगे और गूंदेंगे। और हाँ, टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म किया हुआ है, नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा गर्म है। तो अब ये जैसे मशीन गूंद रहा है, आप लोग दबा के गूंदे, तकरीबन 8 मिनट तक गूंद ले, जितना अच्छा गूंदेंगे इतना अच्छा रिजल्ट होगा। अब मैं खड़ी भी आप लोगों से बातें कर रही हूँ, काम चोर हूँ, और ये मेरा हेल्पर, मेरा दोस्त जो है वो मेरा काम कर रहा है। वैसे मशीन में आटा गूंदते वक्त हुक वाला जो होता है ना वो डाला जाता है, लेकिन जब आटा बहुत कम होता है तो हुक वाले में वर्क नहीं करता है, तब हमें ये वाला डालना होता है जो बेसिकली ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को। देखिए, आटा जो है अच्छा सा गूंद गया है, तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल और उसको फाइनल करेंगे। चलें, अब दोबारा इसको चला देते हैं। सेम इसी तरह आप हाथ से लास्ट, जब अच्छी तरह से गुन जाए, आपको 8-10 मिनट हो जाए, तब आप थोड़ा सा तेल डाल के दोबारा कर लें। देखिए, हमने अच्छी खासी धुलाई कर दी आटे की, थोड़ा सा बेचारा नन्ना सा आटा और उसको कितना पीटा हमने, देखें कितना अच्छा टुगेदर हो गया, ये देखें, और कितना सॉफ्ट सा है। बस अब इसको हम रेस्ट देंगे, एक बर्तन में डाल देंगे और रखेंगे 25-30 मिनट्स तक। ये थोड़ा सा हाथ में तेल डाल देंगे और इसको बस थोड़ा सा यूं करके और रख देंगे। चले, तो मिलते हैं 25-30 मिनट्स में। देखिए, 45 मिनट्स हो गई है और ये आटा हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया है। यहाँ हमने उल्टा तवा रख दिया है क्योंकि मेरे पास था, और अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई को उल्टा रख के भी बना सकते हैं, कोई भी, और अगर मेटल की है तब बहुत अच्छी बात है, और अगर मेटल की ना हो, एल्युमिनियम की हो, तो उस पर भी बन सकता है। सिर्फ ये कि आप पानी और नमक मिक्स करके पानी में, और फिर उसके ऊपर जब छिड़क देंगे तो वो नॉन स्टिक टाइप का या मेटल टाइप का हो जाएगा, बाकी अगर मेटल है तो लाइफ सेट है। तो देखें, हम आटा देखते हैं, देखिए कितना प्यारा सा हो गया, ये देखें, ये खिंच भी रहा है, टूट भी नहीं रहा है, तो इस तरह का नरम सॉफ्ट बड़ा प्यारा सा हमें आटा चाहिए। तो चले, अब क्या है कि आपको छोटे से छोटा बॉल लेना है, जितना भी आप छोटा लेंगे तो कभी कभी वो ज़्यादा पड़ जाता है, मतलब कम इज़ गुड। तो मैं एक छोटा सा बॉल लेती हूँ, छोटा वाला कोफ्ता जो होता है ना, उस साइज़ का। तो बेसिकली तवे पे भी डिपेंड है, साइज़ आपको कितनी रोटी की बनानी है उस पर भी डिपेंड है, लेकिन बारीक बेलनी है इसलिए मैंने कहा छोटा सा बॉल लेंगे, ठीक है। अब इसको जो है ढक के हम किनारे रख देंगे और ये इसको थोड़ा सा
बेलेंगे और फिर ढेर सारा आटा लगाएंगे। और अब इसको बहुत बारीक सी हमें बेल लेना है। किनारे से बारीक होना बहुत जरूरी है, तो किनारे पे आप फोकस करें, बीच की होती ही जाएगी। और आटा जो है काफी सारा लगाते जाएं। और ये डालने की जो वजह है हमारी आटा और मैदा, वो यही है कि मैदा जो है वो रोटी को खींचता है, और अगर सिर्फ मैदा लेते तो वो बार बार खींच के दोबारा आ जाती। अब आटा डाला है वो हेल्प कर रहा है उस चीज़ को वहीं रखने के लिए। अच्छा, अब तवा जो है वो हमारा हमने प्री हीट किया है हाई पे, तो अब हम कर देंगे इसको मीडियम टू मीडियम लो। तो ये देखें कितना सी थ्रू हो गई है, ये देखें इस तरह की हमें बनानी है कि ये देखें मेरा हाथ जो है वो पूरा नज़र आ रहा है। तो इतनी बारीक हमें बेलनी है, ये देखें किनारे पे भी मेरा हाथ नज़र आ रहा है, और आपके इजीली बेल जाएगी, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि मैदा और आटे का जो कॉम्बिनेशन है इससे बड़ा ठीक रहेगा। तो अब ये लेके हम इस पर डाल देंगे। अब ये देखें एक तरफ ये बबल आना हमारे कितने पास शुरू हो गए क्योंकि इतना बारीक था। तो अब इसको मैं देखती हूँ पलट के, ये देखें कितना खूबसूरत सा हो गया। सिर्फ अगर आपको रखना है तो थोड़ा सा आधी सेकंड जितना रख लें यहाँ, और ये हमारी रोटी देखिए ज़बरदस्ती रुमाल की तरह लपेट के और रेडी हो गई। अब जितना बारीक होगी इतना ही आपका पास सिकेगी, और अगर हाई के बाद मीडियम लो कर देंगे तो क्या काली काली वो उसकी डिज़ाइन नहीं आएगी, ऐसी गोल्डन गोल्डन खूबसूरत सी आएगी। और बस उसको लपेट के और आप रखते जाएँ और झटपट और बनाते जाएँ, इसको कवर कर लेते हैं, बस इसी तरह बनाते रहेंगे। अब आपने देखा कि वो इतनी बारीक होती है कि वो पक जाती है फौरन, और अगर आपने ज़्यादा देर रखी तब हार्ड हो जाएगी। तो ज़्यादा देर नहीं रखिएगा, जैसे बबल्स आए फौरन उठा लें, एक आधी सेकंड जो है पलट लें, नहीं पलटनी हो तो भी उतार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका तवा इस वक्त थोड़ा सा स्लो हो गया है तो जैसे मीडियम लो था तो मीडियम भी कर सकते हैं हम। तो बेसिकली हमें पेपर थिन बनानी है, पेपर थिन। और आप ज़रा परेशान नहीं होइएगा क्योंकि आटा बड़ा ज़बरदस्त सा है, ज़रा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसको उठाते हैं और डालते हैं। ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी हुई है, देखें गर्मा गर्म। बस इसी तरह बनाते रहेंगे। और चपातियाँ तो कितनी खाई जा सकती हैं क्योंकि पतली सी होती है और मज़े की भी बात लगती है, तो ढेर सारी बनाएं और मज़े करें। चलें मैं भी मज़े ही कर रही हूँ, बनाने में भी फ़न है। अच्छा देखें ये ड्राई आटा जो है थोड़ा बहुत अगर यहाँ आ जाए तो उसको साफ़ कर लिया करें। जब ऐसा लगे कि तवा थोड़ा सा स्लो हो गया है, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हमें काले दाग नहीं चाहिए, ब्राउनिश टाइप के चाहिए। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्ती रुमाली रोटी बन गई, मानते हैं? और अब मैं खाऊंगी दावत इश्क कबाब के साथ। ये देखें हमारी खूबसूरत खूबसूरत गोल गोल सी कबाब है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक यहाँ देती हूँ, और ये ख़तरनाक सी चटनियों का लिंक कमेंट बॉक्स में डालूंगी, आप लोग देखिएगा। ये देखें सारे रुमाल की तरह एकदम समेटी हुई है। तो ये देखें हमारी
कैसी ज़बरदस्त सी है, और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी सीख। साथ प्याज भी। लच्छा प्याज खतरनाक है, पतली पतली चपातियों के साथ इसका एक मज़ा ही अलग है। ये दोनों का जब संगम हुआ तो अब जब आप लोगों को जब भी पता चलेगा जब आप लोग ये खा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बड़ा मिस कर रही हूँ। चले एक आप लोगों के नाम पे, ये देखें ज़बरदस्ती। चले। चले जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।